बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने कारवान स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड को शुरू किया हुआ है और ये गाइड सीएसएस, सीसीई, पीएमएस, फेडरल पब्लिक और प्रोविंशियल जितने भी कमीशन्स है और इसी तरह 16 एंड अबव के लिए जो अप्लाई करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए इंतहाई मुफीद बुक है। आज इसका पार्ट 6 अपलोड कर लेता हूं और इस बुक में तकरीबन हर टॉपिक कवर किया होगा इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमने इंग्लिश का पार्ट शुरू किया है, इंग्लिश में ईडियम्स और प्रेजेस को शुरू किया हुआ है और पार्ट 6 है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, उसको लाजिमी वॉच करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस बुक में हम क्या कुछ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 6 को और ईडियम्स का सेट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 और 1 नंबर देखे, ईडियम नंबर 1 इसमें देखे, टू सी आई टू आई विथ इसका माने है कि एग्री होना, टू सी आई टू आई मीन टू एग्री टू समवन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड टू नंबर, ईडियम नंबर 2, जॉइंटेस्ट आई, जॉइंटेस्ट यरकान की एक बीमारी है उसको जॉइंटेस्ट कहते हैं, तो जॉइंटेस्ट आई यानी प्रिजुडाइस, तासुब इस तरह, जिसके आंखें इस तरह हो तो इसका मतलब है कि वो उसमें तासुब है, प्रिजुडाइस, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और ईडियम नंबर 3 देखे, टू सी रेड, तो इसके मतलब क्या है, इसके माने जिस तरह हम दोस्तों पेपर की मार्किंग करते हैं जहां पर गलतियां होते हैं तो उसको हम रेड अंडरलाइन करते हैं या उसको सर करते हैं रेड कलम से, तो इसका मतलब है कि टू फाइंड फॉल्ट विद, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर नंबर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, टू पुश समबॉडी टू द वॉल, किसी को दीवार से लगाना, तो इसके माने क्या हो गया, इसके माने हो गया किसी को डिफीट करना, किसी पर पता हासिल करना, टू डिफीट हिम, टू डिफीट सम बॉडी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ईडियम नंबर 5, टू बी इन टू माइंड्स, डबल माइंड होना, तो डबल माइंड होने के लिए टू बी अनसर्टन, टू बी कंफ्यूज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आगे देखिए दोस्तों, ईडियम नंबर 6 देखिए दोस्तों, लीव वन टू सिंक आर स्विम, किसी को छोड़ना, डूबे या तैर कर निकल जाए, तो इसका मतलब किसी की मदद न करना, प्लीज लीव मी टू सिंक आर स्विम, या डोंट लीव समबॉडी टू सिंक आर स्विम, तो इसका माने हो गया कि किसी के हेल्प न करना, नॉट टू हेल्प वन, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 7, ईडियम नंबर 7, टू रिप अप ओल्ड सोर, और रिप के माने चीरना और सोर जख्म, यानी पुराने जख्मों को ताजा करना, तो इसके माने होगी कि पुरानी बातों को यानी ऐसी तलखियों को दोबारा ताजा करना जो तकरीबन हम भूल चुके हैं, तो ऑप्शन देखो देखे, टू रिव्यू अ कर्ल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ईडियम नंबर 8 देखे, अ स्क्वेयर पिग इन अ राउंड होल, राउंड होल यानी जो सुराख है वो राउंड है और उसमें जो पिग आप डाल रहे हैं वो स्क्वेयर है, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को गलत जगह डाल रहे हैं, तो इस ईडियम के मानी हो गया, अ पर्सन अनसुटेबल टू द पोजिशन ही फील्स, आप किसी ऐसी पोजीशन पर चले गए जिसके लिए आप अनसुटेबल हैं, तो यू आर अ पिग इन अ राउंड होल। 9 नंबर देखे, ईडियम नंबर 9, टू कैरी अप द बिल, तो इसका मतलब कि
अपने काम में कामयाब होना, टू बेक द फर्स्ट पोजीशन, टू गेट सक्सेसफुल, टू गेट टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, ऑप्शन बी। एंड ईडियम नंबर 10 देखे, टू लिव इन क्लोवर, इसके माने है टू लिव इन ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। एक क्लोवर एक प्लांट का लग गया, जो ऑप्शन ए ही इज द करेक्ट ऑप्शन, खुशी और सुकून की जिंदगी गुजारना। 11 नंबर देखिए, पिन मनी ये लेडीज के अलाउंसेस होते हैं, ऑप्शन डी देखे, अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। ईडियम नंबर 12 देखे, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वोल्फ बेड़िया को कहते हैं, तो इसका मानी हो गया कि गुर्बत से अपने आप को बचाना, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एंड ईडियम नंबर 13 देखें, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स के मानी है, बिगिन टू टॉक एंड प्लान स्ट्राइट पार्वल टर्म्स, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। एंड 14 नंबर देखे, टू शो द वाइट फीदर बुजदिली दिखाना, टू शो साइंस ऑफ कवर्डिस, ऑप्शन ए। 15 नंबर देखे, टू लीव नो रेवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखे, टू ट्राई एवरी सोर्स, हर जरिया अपनाना, कोशिश करना, हर तरह की कोशिश करना। एंड 16 नंबर देखे, स्पिक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, ईडियम नंबर 17 देखे दोस्तों, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर्स सेल, सेल एस ए आई एल एस सेल्स, बादबान को कहते हैं, ठीक, तो इसका मानी हो गया ऑप्शन डी को जरा देखे, टू एंटीसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम, डी इज करेक्ट। ईडियम नंबर 18 देखे, टू कैरी द कूल टू अ न्यू कैसल, तो इसका मतलब है कि टू डू अननेसेसरी थिंग, टू कैरी द कूल टू न्यू कैसल मानी के गैर जरूरी काम करना, ऑप्शन सी टू डू अननेसेसरी थिंग। एंड 19 नंबर देखे, टू टर्न द कवर के मानी है टू पास द क्राइसिस से निकल जाना, ऑप्शन सी है। एंड 20 नंबर देखे, एंड डबल क्विक टाइम, एक होता है क्विक एंड डबल क्विक टाइम टू वेरी क्विकली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर देखे, द प्रोज एंड कॉन्स जिसके होते मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दोनों साइड एक मामले की तस्वीर के दोनों रुख, फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, किसी के हक और खिलाफ, ऑप्शन ए है। ईडियम नंबर 22 देखे, अ सोप टू सर्बिरस, और इसको जस्ट याद रखें, रैनसम टू एन एनिमी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। एंड 23 नंबर, टू गिव वन अ लॉन्ग रूप, ठीक है, तो इसका मतलब है किसी को डील देना, टू गिव वन अ लॉन्ग रूप, लंबी रस्सी देना, इसका मतलब डील देना किसी को, तो ऑप्शन डी देखे, टू अलाउ अ मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स आर क्राइम्स, ऑप्शन डी है। 24 नंबर देखे, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू गेस राइट, सही पोजीशन गेस करना, ऑप्शन सी है। आखिरी देखे, अ बेकर्स डजन, ये तो पहले भी गुजर चुका, अ बेकर डजन, डजन के मानी तो एक्चुअली 12 है, लेकिन अ बेकर डजन के मानी 13 है,
ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो लाइक और शेयर लाजिमी किया करें दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको फेसबुक का एक लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकेंगे। मेरे व्हाट्सएप का नंबर 03466567708। थैंक यू फॉर वॉचिंग।